हाय एवरीवन, मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई ब्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट माइक के बारे में बताने वाली हूँ जो सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो आज का वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप सोचे मैं किसी ब्रांड से पैसे लेके आपको मतलब पेड प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने पर्सनली अपने लिए ये माइक मंगवाया है और मैंने इसको यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला और मैंने बहुत सर्च किया। मतलब मैं कोई भी चीज मंगाती हूँ तो पहले इसको बहुत सर्च करती हूँ, तो मैंने बहुत सर्च किया, समझा और फाइनली इसको मंगाया और रिजल्ट सच में बहुत अच्छा A1 क्वालिटी का था। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अगर आपको नीड है माइक की तो आप मंगा सकते हो। सबसे पहली बात, मैंने हमेशा आपको अपने वीडियो में बताया है कि आपको माइक की कोई जरूरत नहीं है, नेचुरल माइक ही सब कुछ होता है। बिल्कुल आप मानेंगे नहीं, आज 6 मिलियन हो गए हैं, मैंने अभी तक कोई माइक का इस्तेमाल नहीं किया है और मुझे नहीं लगता आगे भी मुझे किसी तरह की माइक की जरूरत है, ठीक है। लेकिन वो रेसिपी वीडियो के लिए, होता क्या है रेसिपी वीडियो में हमें मतलब वॉइस ओवर करनी होती है तो हम कहीं भी जा करके कर लेते हैं। अब आपके लिए मैं ये वीडियो शूट करने लगी हूँ यूट्यूब से रिलेटेड। अब इसमें क्या होता है, मुझे एक जगह बैठ के ही पूरी बात बोलनी होती है, ठीक है। तो अब मैं कहीं पर बैठी हूँ और बच्चे आ जाते हैं या हवाएं चलने लगती हैं या लाइट नहीं आती, पंखा मैं बंद करके वीडियो शूट करती हूँ क्योंकि माइक का यूज नहीं करती हूँ और AC को ऑन कर लेती हूँ। कभी कभी लाइट नहीं आती है तो मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत धीमा पंखा कर लूँ, तो मैं वो नहीं कर सकती। और कुछ लोग कह रहे थे कि मैम आपका कमरा काफी बड़ा है तो उसमें आवाज गूंज रही है, क्योंकि मुझे एक ही जगह बैठ के करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इस माइक को मंगाया है, ठीक है। तो बहुत सस्ता था तो मैंने कहा चलो मैं मंगा लेती हूँ। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हो, बहुत सस्ता सा है। नहीं लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, बिना माइक के भी काम चला सकते हो कोई। तो चलिए देखते हैं कौन सा माइक है और कैसे यूज करना है, सब कुछ बताती हूँ इसके बारे में, ओके। तो ये जो माइक है ये है बोया का M1, यानी कि इसका जो मॉडल नंबर है ये है M1, बोया ब्रांड का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ इसमें क्या क्या निकला है, चलिए। तो मैंने इसको मंगाया था, ये पूरी ऐसी ही पैकिंग में आया है, मतलब गत्ते में था, तो उस गत्ते को मैंने अलग कर दिया। अब हम इसको खोलते हैं। खोलने के बाद इसमें इस तरह से एक बैग निकला हुआ है और अंदर भी देख लेती हूँ मैं, अंदर कुछ नहीं है इसका, ये जो मतलब इनका पूरा डिटेल है और इसमें बोया का पूरा ये कागज़ है, इसमें डिटेल लिखा हुआ है कि कैसे यूज करना है क्या है। तो मैं आपको सीधे सीधे ही बता देती हूँ, इस बैग को हम खोल लेते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा माइक का सेट। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें, ये होता है हमारा माइक, ठीक है। और ये इसको मतलब बीच में इसमें सेल पड़ता है और अभी मैं बताऊंगी कैसे यूज करना है इसको। और ये पूरी इसमें डोरी दी गई है, तो इसकी डोरी बहुत लंबी है, आराम से आप खूब दूरी पर भी मोबाइल रख करके इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा रहता है, बड़ी डोरी मिल जाती है तो, ठीक है। और अब हम इसको खोल लेते हैं। ये एक फॉर्म मिल जाती है, तो इस फॉर्म को लगाना होता है माइक के ऊपर इस तरह से, तो मैं इसमें लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको इसमें फिट करना है और इसमें एक सेल मिलता है। सेल की जरूरत पड़ती है तब जब आप DSLR में यानी कि कैमरा में इस माइक को यूज करते हैं। अगर आप मोबाइल में एंड्रॉयड में कर रहे हैं तो आपको इस सेल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम खोलेंगे बीच से और इसमें हम सेल को लगा देंगे। तो हमने सेल इसमें लगा दिया है। फ्रेंड्स आज इस माइक का मैं बिल्कुल ऑनेस्टी रिव्यू दे रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ, कोई इसमें फेक नहीं बताऊंगी। देखिएगा पूरा इसमें आपको एक बटन मिल जाता है, अगर आप स्मार्टफोन में यूज कर रहे हैं तो इस बटन को आपको नीचे करना है और अगर आप कैमरा में यूज कर रहे हैं तो इस बटन को आपको ऊपर करना है, ठीक है। और ये आपको एक कनेक्टर मिलता है, तो इसको भी आप मतलब अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें मोटा कनेक्ट करना है, ये भी कनेक्टर ही है, तो इसका आप यूज कर सकते हो। ये आपको मिलती है एक क्लिप, जब आप इस माइक को मतलब लगाएंगे ना कॉलर पर या सेट पर कहीं पर भी, तो आपको क्लिप मिलती है। तो क्लिप को बस कुछ नहीं करना, ये जो पार्ट है ना इसको आपको इस तरह से दबा देना है, ये देखिए इस तरह से, और बस इस तरह से आप कपड़े पर या मतलब जो भी आप पहने हुए हैं वहां पर इसको लगा सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको कैसे यूज करना है।
तो मैं इतना ही खोल रही हूँ क्योंकि इतने की ज़रूरत है और आप अपने हिसाब से स्टोरी को खोल सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे यूज करना है। आप जिस मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसमें ये जो होल दिया रहता है ना, इसमें आपको इसको इस तरह से कनेक्ट कर देना है, तो ये अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल से और बस इसमें आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग कर लेनी है। तो अभी मैं आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑनेस्टली कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आपसे कोई भी चीज़ छुपाऊंगी नहीं। तो फिलहाल मेरे पास जो नया मोबाइल है ये है वन प्लस का नॉट 2, इससे मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो इसमें मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो गोल वाला होल है ना, ये इस मेरे मोबाइल में नहीं है। यानी कि मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, देखिए चारों तरफ कहीं भी आपको गोल होल नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये जो माइक है ये इसमें कनेक्ट नहीं हो सकता। ये होगा लेकिन एक शर्त पे होगा, जब मैं बाज़ार से छोटा सा कनेक्टर ले आऊँगी, ये कनेक्टर आएगा उसमें लगा करके फिर मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकती हूँ। फिलहाल वो कनेक्टर मेरे पास नहीं है तो मैं लाइव टेस्ट अपने मोबाइल से नहीं दिखा पाऊंगी। ये जो मेरे पास दूसरा मोबाइल है वीवो का, इससे मैं आपको लाइव टेस्ट दिखाती हूँ कि ये माइक कितना अच्छा काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब ये जो वायर दिख रही है इसको आप चाहे तो टी शर्ट के अंदर से भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको आपको चेक करवा रही हूँ, तो मैं ऊपर से ही रहने देती हूँ और इसको अब हम मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। अब आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, ये जो माइक है ये कनेक्ट हो चुका है। और अब आप बताइए कि पहले कैसी आवाज़ आ रही थी और अब कैसी आ रही है। तो इससे जो साइड का बैकग्राउंड है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। तो इसका प्राइस जो है वो बहुत ही कम है, केवल 710 रुपए का ये माइक मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं इतने कम प्राइस नई ट्यूबर के लिए बहुत अच्छा माइक है, तो आप इसको मंगा सकते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने इसको अमेजोन से मंगाया था, अगर आप मंगाना चाहते हैं तो उस लिंक पर जा करके मंगा सकते हैं। और बिना माइक के भी काम चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिना माइक के भी आप वीडियो बना सकते हैं। कैमरा का माइक भी बहुत अच्छा होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।